आज हम लोग सीरीज विद आर्बिट्रेरी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक। और इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसमें हमने टोटल 5 लेक्चर लिए हैं और हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो गया। और जो बचा हुआ है वो आप सवाल खुद से बना सकते हो, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर्टी सब कुछ बता दिया है। अब सेम टाइप का सवाल होगा जो सेम तरीके से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स। इसमें आज हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ सारे फंडे को समझेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन को कंप्लीट करते समय जैसे जैसे कोई टर्म आते चलेगा वैसे वैसे उसको हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे हमको दिया हुआ क्या है, ठीक। देखो आगे जो हमको दिया हुआ है, अगर यूएन हमारा बाउंडेड है, अगर यूएन क्या है, बाउंडेड है। अब बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, यूएन किसी खास टर्म से छोटा होगा। एंड वीएन हमको कन्वर्जेंस दिया हुआ है, समीशन वीएन क्या है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है हमको, वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया, ध्यानपूर्वक समझना। अच्छा पहले ये देख लो हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है कि समेशन यू एन वी एन जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। समेशन यू एन वी एन क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अच्छा इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे हमको कोई सीरीज दे दिया गया, समेशन साइन एन थीटा बटे एन स्क्वायर, ये सीरीज हमारे सामने है और हमें कहा जाए बताइए भैया ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है ये बताइए। तो सिंपल सा हम दो चीज़ दिखाएंगे। पहला चीज़ भैया इसमें जो यू एन टर्म होगा, पहले हम उसको यू एन इंटू वी एन के फॉर्म में लिखेंगे, यू एन और वी एन के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद इसमें हम लोग यू एन को बाउंडेड दिखाएंगे। अगर ये हमारा बाउंडेड आ गया, उसके बाद हम लोग समेशन वी एन का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया, डेट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये सीरीज हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया, ध्यानपूर्वक समझना, कि यहाँ पर यू एन बाउंडेड है, डेट ठीक है, वी एन मेरा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, हमको प्रूव करना है ये। इसका मतलब क्या हुआ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी, ठीक, वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी। ये एब्सोल्यूट टर्म यहाँ आकर के मोड बन गया, तो मोड यू एन वी एन का सम का ये ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी। ऐसा हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का प्रॉपर्टी पढ़े हुए, मतलब अगर हम लोग ये टर्म दिखा दें तो मेरा ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगा। बातें समझ में आई, हमको दिखाना क्या है, हमको ये टर्म दिखाना है, ठीक। ज़्यादा नहीं आपको स्ट्रेस लेना है कि क्या हो रहा है, सिंपल सा इस टर्म को आप कन्वर्जेंट दिखा दो। इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आपको यू एन का वैल्यू निकाल लेना और वी एन का वैल्यू निकाल लेना। यू एन का वैल्यू हमको दिया हुआ है, वी एन का वैल्यू भी दिया हुआ है, कैसे वो देखो। यहाँ पर यू एन बाउंडेड है, चूंकि सिक्वेंस यू एन इज बाउंडेड। जब यू एन बाउंडेड है इसका मतलब हो गया कि यू एन का जो मोड होगा वो भी किसी खास टर्म से क्या होगा, लेस देन होगा। वो एम मान लीजिए, एम क्या है, एम बी ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है और एम मेरा जो है फिक्स्ड वैल्यू है। एम इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ऐसा नहीं कि एम आर्बिट्रेरी नंबर है, नहीं, एम इज अ फिक्स्ड वैल्यू है। मेरा यू एन का मोड निकल गया, हमको अब वी एन निकालना है। हमको दिया हुआ यहाँ क्या है, हमको यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि वी एन का जो सम होगा, समेशन वी एन, ये हमको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, कितनी बार मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट यहाँ आ गया तो वो किसका कन्वर्जेंट हो जाएगा, वो समेशन ऑफ वी एन के मोड का कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो समेशन ऑफ मोड वी एन इज कन्वर्जेंट, यहाँ लिख देना आप, समेशन वी एन इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, देयर फोर समेशन अंडर मोड वी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगेन हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, यू एन इंटू वी एन के दोनों के प्रोडक्ट का मोड का वैल्यू निकालेंगे। अगेन
चलो इसका मोड का वैल्यू निकालते हैं, मोड UNVN, इसका वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या हो गया, UN का मोड और VN का मोड। हाँ जी, अब UN ध्यानपूर्वक समझना, UN का मोड यह हमको दिया हुआ है वो किसी खास टर्म से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब UN, ध्यानपूर्वक समझना ठीक है, UN जो है ना M से क्या है, छोटा है। अगर UN के जगह पर M पुट कर देंगे, ध्यानपूर्वक समझना, UN के जगह पर हम M पुट करेंगे, UN से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो ये टर्म तो ग्रेटर हो जाएगा ना, M इंटू VN, बिल्कुल सही। अगर यहाँ चाहते हो आप इक्वल टू लगाना तो इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लगा भी दिया, चलो आपके लिए मैंने लगा दिया। अब आगे देखो, हमको VN क्या दिया हुआ है, VN हमको कन्वर्जेंट दिया हुआ है। अगर कन्वर्जेंट से किसी फिक्स नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो टर्म है समेसन UNVN, हमको निकालना क्या है, इसका समेसन निकालना है ना, तो यहाँ समेसन लगा दो दोनों तरफ, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा, बिकॉज ये समेसन VN हमारा कन्वर्जेंट है। ये क्या है हमारा, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट से किसी खास टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर ये टर्म भी हमारा कन्वर्जेंट हो गया, M इंटू समेसन मोड VN इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट क्यों हुआ, क्योंकि समेसन मोड VN इज कन्वर्जेंट था, यहाँ पर ये कन्वर्जेंट था ना, इसी कारण हमारा ये टर्म कन्वर्जेंट हो गया। और कोई टर्म हमारा कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट से छोटा भी कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट है क्या, जैसे यहाँ आप नंबर लाइन देखियो, दैट इज एक सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लो 1 से लेकर 100 तक का सम आप निकाल पा रहे हो, तो ये पूरा श्योर हो कि 100 से कम जो भी रहेगा उसका भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, समझ रहे हो। अगर 1 से लेकर के आप m तक का सम आपने निकाल लिया, ये कोई ना कोई एक एक्यूरेट नंबर आया, तो m से कम कोई भी नंबर लोगे तो उसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, बस इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट से छोटा भी कन्वर्जेंट हो गया, देयरफॉर समेसन UNVN इज कन्वर्जेंट। कहाँ से आया, कंपैरिजन टेस्ट। चलो अब इसका मोड कन्वर्जेंट हो गया, इसका मोड कन्वर्जेंट, मैं एक ही चीज को दो बार कह रहा हूँ, क्या इसका मोड कन्वर्जेंट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीरीज बिना मोड का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ठीक, देयरफॉर समेशन UNVN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अच्छा शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, चलो हमारा प्रूव हो चुका है। अब जो हमको नेक्स्ट टर्म प्रूव करना है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रूव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका डिरिचलेट टेस्ट में काम पड़ेगा और